Ladies and gentlemen, be ready with the module 34. यहाँ पर आपने देखा कि हम चले कहाँ से और पहुँच कहाँ रहे हैं? From digital world to divide to inclusive innovation, and then आज हम बात कर रहे हैं the case of digital money. To understand कि जो digital divide थी और inclusive innovation थी, वो कैसे आपके सामने आती? मैं पर्सन एग्जाम्पल के साथ आपको बात करता हूँ मैं एक ऐसे सोसाइटी में रहा जहाँ पर मुझे शौक लगा कि वहाँ पर कैश था ही नहीं यानी इसको कंप्लीट कैशलेस सोसाइटी मैंने देखी जापान में भी कुछ जगहों पे है और पूरा चाइना जो है वो इस वक्त कंप्लीट कैशलेस सोसाइटी हो चुका है अच्छा एग्ज़ैम्पल के लिए मैंने आपको समझा दिया कैशलेस सोसाइट सोसाइटी मतलब वी चैट पर स्कैन के थ्रू आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र होती है और बैंक आपके वी चैट से अटैच होते हैं चाहे आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन चाइना कंस्ट्रक्शन सो एंड सो फोर जो भी होगा बैंक आपके साथ उसके साथ लिंक लिंकअप होगा अच्छा आपने स्कैन किया और आपको मिल गया अच्छा आप ये मैंने फिर सोचा कि कुछ जगह ऐसी भी तो हो सकती हैं कि मैं सबर्बंस में जाऊं और वहाँ पे इंटरनेट ना हो और मेरे पास कोई बहाना हो जाएगा भाई इंटरनेट नहीं है तो आपके मेरे पास तो कैश नहीं है तो कैश ना होना वहाँ पे कोई अजीब बात नहीं है क्योंकि नहीं होता लोगों और उनके पास एक मोबाइल होता है और मोबाइल इज़ द होल वर्ल्ड अब ये कैशलेस सोसाइटी मैंने देख रहा था और उसमें मैं जा रहा था एक बेसमेंट में था और वहाँ पे इंटरनेट मेरे पास नहीं आया तो ही हीस गिवन मी और उन्होंने कहा कि आप वाईफाई लीजिए और स्कैन कीजिए तो वहाँ आना खत्म हो गया तो द पॉइंट इज़ कि उन्होंने इंश्योर किया कि हर जगह एक तो वाई इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का एक वसी नेटवर्क होगा फिर आपने एक कैशलेस सोसाइटी बनाई अच्छा ये एक क्रिमिनल तौर के ऊपर हर जगह इंश्योर किया गया कि गांव देहात काउंटी सिटी बड़े शहर चाहे बेजिंग हो शंघाई हो या जो भी हो या छोटे हंजू के अंदर भी चले जाएँ या कहीं और चले जाएँ तो आपको इंश्योर किया जाता है और आपका रेडी वाला मैंने उससे देखा कि रेडी वाले के पास के भी कैशलेस के बगैर काम करता होगा क्योंकि हम तो बहुत समझदार हैं हमें तो पाकिस्तानी होने का शर्फ हासिल है और हमें हर चीज ही आती है तकरीबन और हमें ये भी आइडिया होता है कि इसको क्या पता तो मैंने सोचा कि रेडी वाले को जो है वो क्या उसको क्या पता कि वी चैट कैसे होता है तो उसने फॉर जैसे ही उसने बात की तो उसको पता था कि फॉरनर है बात क्या करेगा तो उनको ये जरूर पता विशान तो जब विशन किया तो फिर हमने उसको विशन कर दिया एंड ही नोस दिस तो वहां से ये मेरी एक और क्लैरिटी आ गई कि जब आप कम्यूनिटीज तक जाते हैं और कोई भी सिस्टम को आपको नीचे तक लेकर जाएंगे और क्रिमिनल सिस्टम बनाएंगे तो वो सब लोग उसके साथ उस तरीका कार के साथ हो जाते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं केस ऑफ पाकिस्तान डेबिट क्रेडिट के ऊपर आ गया उन्होंने कहा बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शंस कीजिए हर कार से जहां बात करते हैं या जो पेमेंट करते हैं आपको चार पांच सौ रुपए का टैक्स बच जाता है और अगर आप पेमेंट वही वाली करें एग्जाम्पल के तौर पर पिछले दिनों में एक तो पेमेंट थी जिसको मैंने करना था तो आठ का बिल था कार्ड से करता तो छह हजार उसके अंदर जीएसटी और सब कुछ मिलाकर जो माइनस होना तो कार्ड से मुझे इतना हो रहा था सो तो दो हज़ार के फर्क को आप ये समझिए तो जब आहिस्ता और लेकिन टोटल पाकिस्तान के अंदर अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो सिर्फ ग्यारह परसेंट लोग हैं जो इसका फायदा कर रहे हैं और उनको आप यानी इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं कि वो अभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के काम में आ रहे हैं अभी आहिस्ता जब ये डिजिटाइजेशन की तरफ जाएंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि पैसों की तरसीलत तेजी से पैसा भेजना और तेज़ी से पैसे का हसूल करना ये कैसे होगा तो अभी हम मोबाइल सिस्टम्स में नहीं आए अब आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस सिस्टम पर आ जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कमिनल डेवलपमेंट हो जाएगी इसका केस हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको आसानी के लिए क्योंकि मैं केसेस तो आपके यहाँ लिख दिए लेकिन मैंने आपके बताने के लिए मैंने बताया कि डेमोग्राफिक जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक जियोग्राफिकारी ऐसी फर्क नहीं पड़ता सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आपको सोसाइटी के नीचे तक जाना पड़ता है यहाँ पर इंपोर्टेंट लिखा है द केस एक्सप्लोर द इनिशिएटिव टेकन बाय द कम्युनिटी बिल्डिंग यूथ फ्यूचर

कम्युनिटीज तक पहुंचा देंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन क्लियर भी होगी और वो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेकर उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया केस ऑफ डिजिटल मनी के ऊपर बात जो हम कर रहे थे उसमें यहाँ बड़ी चीज क्लियर हो जाती है कि अगर आप एक नए आइडिया को लाएंगे तो अनरजिस्टेबल करने के लिए क्रिमिनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और फिर कम्युनिटी जब उस चीज तक आ जाती है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है थैंक यू वेरी मच